इस वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी, ईद मिलाद मनाना इस्लाम में इजाफा है, इस्लाम में वेल्डिंग है, टाट की पेवंदकारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर जितने रबी अव्वल आए कभी ईद मिलाद नहीं मनाई। हमें हदीस की रोशनी में हमें यह साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाया, या सहाबाज ने, या ताइन या तबताइन ने कभी उनका सालगिरह बनाए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मेरा सालगिरह बनाओ, या कभी सहाबाज ने बनाए, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। कभी भी जश्न मनाया हो, चिराग न जलाया हो, लाइटें न जलाई हो, हरी झंडियां न लगाई हो, तुम दलील दे दो। नबी वाली हमारे उनसे हेलो अशफाक हुसैन साहब बात कर रहे हैं। हाँ बोले सर। सर वो आज प्रोग्राम है ना, वो किस स्टेट में है? बालनपुर। प्रोग्राम बालापुर में है। हाँ बालापुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है वो स्टेट? अकोला जिला। हाँ अकोला। अकोला अकोला जिला। और स्टेट? स्टेट महाराष्ट्र। जनाब आप कहाँ से बोल रहे हो? हम कर्नाटक से बात कर रहे हैं, हमारा नाम सुल्तान अहमद है। बार तो हमने आपका पोस्ट देखा कि शिवाजी महाराज के जन्मदिन पर ये आप जलसा मना रहे हैं। तो ये जलसे में उलमा इकराम कौन आ रहे हैं? ये जलसे में है हमारे जो आपके जो जनाब मुफ्ती साहब है तालापुर के, जो तालुका अध्यक्ष थे, अध्यक्ष जमीतुल उलमा के, जमीतुल उलमा वहादी से। हाँ और अध्यक्षता जो कर रहे हैं वो राजेंद्र इंगोले साहब है। हाँ। तो जो बामसेद जो संगठन है। हाँ हाँ। उसके आरएनडीकेएस के राज्य अध्यक्ष है, वो सदारत करने आ रहे। अच्छा अच्छा। अशफाक साहब आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए ना। शिवाजी महाराज के जन्मदिन पर ये जलसा जो मना रहे हैं आप, हाँ, क्या ये जायज है? क्या ये कुरान और हदीस से साबित है? देखिए सर। हाँ। हम जो लोग प्रयास कर रहे हैं, नहीं आप अगर कुछ लोग जो रहते हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मौके पर जलसा या जुलूस निकालें तो आप कहते हैं बिदअत है, कुरान से साबित करो, हदीस से साबित करो। तो शिवाजी महाराज के जो आप पैदाइश के मौके पर ये जलसा मुनक़िद किए हैं, क्या ये कुरान और हदीस में है कि शिवाजी महाराज के पैदाइश पर आप जलसा मनाइए? क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में बताया है कि किसी गैर मुस्लिम के पैदाइश के मौके पर आप जलसा मुनक़िद करके खुशियां मनाएं? देखो हम लोग जलसा नहीं मना रहे हैं। हाँ ये शानदार जलसा यौमे पैदाइश शिवाजी महाराज के है। एक एक दिन का प्रबोधन सम्मेलन का कार्यक्रम है, इस विषय पर हम प्रबोधन करेंगे। हाँ वही तो मैं भी वही बता रहा हूँ। अगर आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपने हाँ। किसी सहाबी के नाम से कोई प्रोग्राम नहीं किया? नहीं। क्या आपको कोई सहाबी का जन्मदिन याद नहीं आया? तब जलसा करना नहीं आया याद आया? ये गैर मुस्लिमों के जलसे मनाते फिरते तो कोई अगर सुन्नी कोई आशिक रसूल होके वो मीलाद के मौके पर जलसा मनाया या नात की महफिल सजाए तो आप इसको बिद्दती शिरक करके फतवा दे देते, तो आप बताइए क्या ये सही है या गलत है? बस आपसे पूछना चाहे क्या कोई हदीस से साबित है, कोई रेफरेंस है? हम लोगों ने जो हमारे जो जो लोगों में जो जो आपके वहादी उलमा कराम अकाबरीन जो है वो अगर मीलाद मनाए या कोई जलसा मनाए तो पीछे ही फतवा दे देते हैं और कुछ कह देते हैं, लेकिन आज कोई आवाज नहीं उठा रहा ये कैसा ये करना, ये क्या सही है? तो मैं आपको थोड़ी देर से बात करूँ क्या? मैं अभी काम में हूँ थोड़ा। अच्छा ठीक है, आप यही जवाब देंगे? और कुछ आपके पास जवाब तो होगा नहीं, ये तो हम पहले ही